हाथरस के बाद अब बलरामपुर में गैंगरेप। दो युवकों ने युवती को बनाया है हवस। तबियत खराब होने पर रिक्शे में बैठाकर भेजा घर। अस्पताल ले जाते समय युवती की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों पर आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया गया। वारदात के समय कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी पीड़िता। आरोपियों पर युवती की कमर और पैर तोड़ने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं इसी प्रदेश के बलरामपुर जिले में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। जो पीड़िता है उसके भाई के द्वारा नामजद तहरीर दी गई, जिसमें दो आरोपियों का उल्लेख किया गया। उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें कुछ मीडिया के द्वारा ये सूचना चलाई जा रही है कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो नशीला पदार्थ कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। बलरामपुर जिले में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। कहा जा रहा है कि हाथ पैर भी तोड़ा गया, आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रही है। आरोपियों को फिलहाल जेल में भेज दिया गया है। तो हाथरस के बाद बलरामपुर में भी गैंगरेप की घटना जो है वो सामने आई। दो युवकों ने युवती को हवस का शिकार बनाया। तबियत खराब होने पर रिक्शे में बैठाकर घर भेजा। अस्पताल ले जाते समय युवती की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों पर आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया गया, हाथ पैर तोड़ा गया। कई आरोप जो है परिवार वालों की तरफ से यहां पे लगाए गए हैं। वारदात के समय कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी पीड़िता, और ज्यादा जानकारी के साथ ओमकार तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। ओमकार, हाथरस के बाद अब बलरामपुर से ऐसी घिनौनी वारदात जो है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हाथरस में हुई घटना चर्चा में थी, उसके बाद बलरामपुर में की इस घटना ने पूरे प्रदेश और जिले को हिला कर रख दिया। अब पुलिस में यह है कि मंगलवार की देर शाम की घटना बताई जा रही होने के बाद ही कुछ कहने की बात कहकर किनारा कसते रहे। देर शाम पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी और उसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने कई और लोगों को भी उठाया है, जिसमें संबंधित डॉक्टर, कॉलेज से जुड़े कुछ छात्र और सारे लोग हैं। लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। हालांकि देर रात पुलिस ने परिजनों के साथ जो मृतका का शव था वो पहुंचकर गांव में उसका दाह संस्कार करवा दिया। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो क्या उसी गांव के रहने वाले हैं, उसका कोई कनेक्शन? अब इस बारे में पुलिस कुछ स्पष्ट कर नहीं रही है। उनका कनेक्शन ये है कि कॉलेज के छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं उस लड़की से संपर्क में रहे होंगे, जिसके बाद ही ये घटना हुई। और गांव में और बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी इस तरीके का कुछ कंफर्मेशन आ नहीं रहा है कि साथ पढ़ते थे, कि स्टूडेंट थे, कि जबरन पकड़ ले गए। अब ये चीजें तो पुलिस की जांच में होंगी। लेकिन ओमकार, इस घिनौनी वारदात में कितने लोगों का नाम सामने आ रहा है, कितने आरोपी है, दो है या कोई और कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है? जी पूजा जी, एक बात बताना चाहूंगा कि गांव में जो चर्चा है कि पुलिस ने तहरीर बदलवाई, जो तहरीर दी गई है जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें तो दो लोगों के नाम है, लेकिन जो चर्चा है गाँव में वो करीब 3 से 4 लोगों के शामिल होने की है। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को उठाया भी है, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कितने नामजद और करेंगे और आगे क्या उसमें अपडेट है। उनका परिवार वाले तो कह रहे हैं कि जो युवती थी उसको नशीला पदार्थ दिया गया, उसके बाद घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, हाथ पैर तोड़े गए, पर पुलिस वाले तो साफ इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। जी अब ये जी जो मृतका की माँ है उसने स्पष्ट ये बात कही है, मीडिया से बात करते हुए बताई कि नशीला पदार्थ खिलाया गया, ये चीजें की गई, और उसने ये तक कहा कि कमर तोड़ दिया गया और पैर तोड़ दिया गया लड़की का। लेकिन अब पुलिस ने देर शाम एक
एक विज्ञप्ति जारी करके ये इसका खंडन किया है। अब इसमें किसको सही माना जाए, वो माँ जिसने उस बच्ची को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पाला पोसा, और एक पुलिस जो पूरे दिन गुमराह करती रही, उसे रिपोर्ट का इंतजार होता रहा, उसने मुकदमा तक दर्ज करना उचित नहीं समझा, अब इसमें किसको सही माना जाए? जी मतलब आप खुद देखिए कि जिस तरीके से हाथरस में जो घिनौनी वारदात सामने आई, उसमें परिवार वाले लगातार कई आरोप लगा रहे हैं, नाम बता रहे हैं सबके, उसके बाद भी पुलिस उन सब चीजों से इनकार करती हुई नजर आई कि नहीं, जीभ नहीं कटे हुए थे, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हुई थी। और ऐसे में वही मामला सेम एज इट इज, नाम और तारीख बदल गई है, लेकिन घटना तो वही सारी निकल कर सामने आ रही है। ओंकार की हाँ, परिवार वाले कह रहे हैं कि हाँ हाथ पैर तोड़े गए, ऐसे में पुलिस क्यों इनकार कर रही है, परिवार वालों की सुन क्यों नहीं रही है पुलिस? जी अब पुलिस परिवार वालों की कितना सुन रही है, ये तो उस माँ के दर्द से साफ दिखता है, जो रो रो के अपनी सारी घटना बयां कर रही है कि किस तरीके से लड़की आई और उसने अंतिम शब्द उसने क्या कहे कि मुझे बचा लो मम्मी, और तमाम पेट की जलन और रीढ़ की हड्डी में चोट और पैर टूटना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साफ दिखा रही हैं कि पुलिस की कहानी कुछ अलग है और माँ का दर्द कुछ अलग है। ओंकार अपने परिवार वालों से बातचीत की, कितनी अपडेट है, घर वालों से बातचीत की होगी, उनके परिजन से बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या चाहते हैं, अभी क्या कह रहे हैं? मेरे सामने निकले सलमा यही रास्ते में, जब पीएम हाउस पे उनके परिजन थे, उनके नाना थे, उनसे हम लोगों ने बात की, उसकी माँ से गांव पहुंचकर बात की थी, ये कल तक का मामला था। उसके बाद पुलिस ने देर शाम जब मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद से परिजन दाह संस्कार करने के बाद से सदमे में हैं। हम लोग लगातार उनसे प्रयास करने का कर रहे हैं कि बात करने की, कि और अपडेट क्या है, क्या निकल के आया, और हम लोग मौके पर जमे हुए हैं, जैसे कोई अपडेट होता है पूजा जी हम लगातार। जी बिल्कुल, हम भी R9 टीवी के माध्यम से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ओंकार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाथरस में देर रात अंतिम संस्कार किया गया, एज इट इज यहाँ पे भी वही वारदात हुई, पुलिस को क्या किसी का डर है, पुलिस क्यों इन सब चीजों को छुपाना चाह रही है, पुलिस के सर पे किसका हाथ है, क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसी वारदात को बार बार अंजाम दिया जा रहा है और उस पर पुलिस जो है एक्शन भी नहीं ले पा रही है? जी उसमें बताना चाहेंगे कि जो हाथरस की घटना थी, वहां कहीं ना कहीं परिजनों को दूर रखकर उनके जो है बिना अनुमति के दाह संस्कार किए जाने के मामला सामने आ रहा था, जबकि बलरामपुर की जो एक घटना है इसमें परिजनों के साथ पुलिस गई है और परिजनों ने दाह संस्कार किया। अच्छा, अब पुलिस किसके दबाव में दाह संस्कार कर रही है, ये पुलिस के आला अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। चलिए ओंकार आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए।